हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आज हम बनाएंगे स्पेशल कुकर बिरयानी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन धोकर ले लिया है। अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम पहले डाल देते हैं, ये आधा कटोरी दही ली है हमने, इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, 3 चम्मच बिरयानी मसाला और यहाँ हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। बिरयानी मसाला आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता, और यहाँ पे हमने 3 साबुत मिर्च ली दी है, इनको भी हम डाल देंगे। और यहाँ हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, ऑयल डाल देते हैं और इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा चिकन अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें 1 नींबू का जूस डाल देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसे हमें आधे घंटे तक रखना है ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से चिकन को लग जाए, अच्छा हमारा चिकन मैरिनेट हो जाए करके। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बासमती राइस लिया है, ये हमने इस ग्लास से 3 ग्लास चावल लिया है। तो अभी हम पहले इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं 2 से 3 बार। 2 से 3 बार हम इसको धो लेंगे। तो चावल को मैंने लिया है तो इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे मैं 15 मिनट तक ही रखूंगी। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये चावल ना टूट सकते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर कर रहे हैं, इसलिए हम 15 मिनट ही इसको सोक करने के लिए रख देते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम बिरयानी बनाएंगे। तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे 4 चम्मच और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1 जायत्री, 1 स्टारफुल, 7 से 8 लौंग, 7 से 8 मीरे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और 3 छोटी इलायची और 2 तेजपत्ता डाल देंगे और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छे तरीके से उतर जाए। तो खड़े मसाले यहाँ पे अच्छे तरीके से भून के हो गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये हमने 3 प्याज लिए हैं, इसको हमने लंबे लंबे साइज में काट लिया है। तो प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है, अच्छा फुल स्पीड फुल पावर करके हम इसको प्याज को भूनते हैं। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें चिकन डालेंगे, डाल देंगे। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है, लो टू मीडियम पावर पे। जब तक हमारा चिकन अच्छा तेल नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो
तो चिकन यहाँ पे मिक्स हो चुका है, तो इसको हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना है। तो बीच बीच में हमें इसको हिलाते हुए रहना है ताकि हमारी चिकन जो है नीचे से जले ना करके। तो थोड़ा सा 2 मिनट तक और पकाएंगे हम इसको। तो चिकन हमारा 5 मिनट तक पक गया है, तो अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं तेल कितनी अच्छी तरीके से छूट गया है चिकन को। तो अभी पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का पावर हम लो कर देंगे। हमने इसमें बगैर पानी डाल के इसको हमने पकाया है क्योंकि चिकन में अपना ही पानी छूट जाता है। देख सकते हैं अभी हम इसमें डालेंगे चावल। तो चावल को हमने ड्रेन कर लिया है, तो चावल को हम लेयर लेयर में डालेंगे, 2 से 3 लेयर में इस तरह से फैला फैला के डालते हैं। इस तरह से डाल के हमने इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता, और ये हम तीसरी लेयर डाल देंगे चावल की। तो तीसरी लेयर हम डाल देते हैं इसके ऊपर, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हमें। और फिर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल देंगे इसके ऊपर। और यहाँ हमने लिया है फूड कलर, दूध में भिगोया हुआ, आप चाहे तो केसर में भिगोया हुआ दूध भी डाल सकते हैं, इसको भी डाल देंगे। और हमने इस गिलास से 3 गिलास चावल लिए थे, तो इसी गिलास से हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें। एक, दो और ये आधा, और इसे हमें छेड़ना बिल्कुल ही नहीं है। और ढक्कन लगा के हम इसको 1 विसल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो कुकर को 1 सीटी आ चुकी है, तो अभी हम गैस का फ्लेम पूरा लो कर देंगे और इसको 2 मिनट तक हम होने देते हैं। उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद और प्रेशर ख़त्म होने तक हम इसको वैसे ही कुकर में रहने देंगे। तो कुकर ना ठंडा हो चुका है, पर अभी हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि जो वाप से हमारा चावल है ना वो मस्त खिला खिला बने करके। तो अभी हम 5 मिनट रुक जाते हैं, बाद में हम इसको खोलेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम कुकर को खोलेंगे। देख सकते हैं क्या बोलिए, वाव चावल देखिए कितना मस्त ऐसे पक गए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसको साइड से ऐसे निकालेंगे, बहुत खिले खिले भी बने हैं, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये प्रेशर कुकर बिरयानी बनके रेडी हुई है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर से मिलूंगी ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।